शनिवार से चार धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई। इस दिन ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। इस बार चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कल सुबह 6:20 पर पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस बार केदारनाथ धाम के कपाट पिछले साल की तुलना में 1 महीने ज्यादा खुले रहेंगे। इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा 6 महीने 20 दिनों तक चलेगी। चार धाम यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पैदल यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य कुटीर बनाए गए हैं। यहां तीर्थयात्री किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निदान पा सकते हैं। उत्तराखंड के तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को खुल रहे हैं। यहां यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम के मंदिर में कल 155 देशों की नदियों के पवित्र जल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला का जलाभिषेक किया। इस मौके पर साधु संतों सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलला की मूर्ति कर्नाटक की कृष्ण शिला से बनाई जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक रामलला की ये मूर्ति 5 साल के धनुर्धारी बालक के रूप में बनेगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के अगले चरण में अब रामलला की मूर्ति के साथ ही अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। प्रभु श्री राम के विग्रह सहित मंदिर के पिलर्स पर मूर्तियों के निर्माण का कार्य भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर अब असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर का कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है। कॉरिडोर के बनने के बाद मंदिर के चारों ओर खुली जगह 3000 वर्ग फुट से बढ़कर लगभग 1,00,000 वर्ग फुट हो जाएगी। देवघर स्थित बाबा धाम के प्रशासनिक भवन में समिति और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सुबह और शाम को अर्घा की व्यवस्था करने पर चर्चा हुई। साथ ही शीघ्र दर्शनम कूपन की राशि बढ़ाने पर चर्चा हुई। पटना के महेंद्रू घाट के किनारे बिहार राज्य पथ विकास निगम की ओर से बोल्डर पीचिंग का काम किया जा रहा है। गंगा नदी में पानी बढ़ने से पहले नौजर घाट तक इसे पूरा करने की योजना बनाई गई है। जयपुर स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर कुल 5100 दीपकों से महाआरती की गई। इस दौरान मंदिर परिसर शंख और घंटे की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। साथ ही इस मौके पर भगवान ताड़केश्वर महादेव का विशेष श्रृंगार भी किया गया। अमरोहा के गजरौला में वैशाख अमावस्या पर गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता को अर्घ दिया, साथ ही ब्राह्मणों, पुरोहितों और जरूरतमंद लोगों को दान भी दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के खरशाली गांव स्थित सोमेश्वर महाराज मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। शनि महाराज का अभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में कुगती स्थित भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट 135 दिनों के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर में पुजारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट खोले। जम्मू कश्मीर के शिवखोड़ी और शंकराचार्य मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। इन दोनों तीर्थ स्थलों के लिए रोपवे टेंडर जारी हो चुका है। 2025 तक शिवखोड़ी के लिए रोपवे का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। कैंची धाम मंदिर में फोटो खींचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन की ओर से ये निर्णय मंदिर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। नैनीताल स्थित कैंची धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां अस्थायी तौर पर नया वैली ब्रिज जल्द ही बनाया जाएगा। उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर से हर साल वैशाख कृष्ण दशमी से प्रारंभ होने वाली पंचकोशी यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रदेश के श्रद्धालु अब अलग अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा फ्लाइट से भी कर सकेंगे। बता दें 21 मई से 19 जुलाई तक प्रदेश के 25 जिलों के तीर्थ यात्री फ्लाइट से यात्रा करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के बहेरिया में श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। 30 अप्रैल तक चलने वाली इस कथा में भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है।